मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 13 दिसंबर 2023 को शपथ ली थी और आज हमारी सरकार को 3 माह पूरे हो चुके हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो गारंटियां दी, 3 महीने के इस अल्प समय में हमारी सरकार ने उन्हें पूरा करके अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। हमारी सरकार ने गरीब, किसान, महिलाओं, युवाओं के हित में बड़े फैसले लिए। 18 लाख आवासहीन परिवारों को आवास, हमारे पहले कैबिनेट में ही छत्तीसगढ़ के 18 लाख आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का अभूतपूर्व निर्णय लिया। इसके लिए वर्ष 2023-24 के अनुपूरक बजट में 3,799 करोड़ रुपए और वर्ष 2024-25 के बजट में 8,369 करोड़ रुपए, इस प्रकार कुल 12,168 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। 2 वर्षों के धान की बकाया बोनस राशि का भुगतान अन्नदाताओं से हमने वादा किया था, उन्हें 2 वर्षों के धान खरीदी का बकाया बोनस की राशि भुगतान करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी के जन्मदिन के सुशासन दिवस के अवसर पर 3,716 करोड़ रुपए किसानों को दिया। महतारी बंधन योजना, प्रदेश की विवाहित महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए प्रति माह 1,000 रुपए देने का वादा किया। मोदी जी की इस गारंटी को पूरा करते हुए हमने प्रदेश में महतारी बंधन योजना लागू की। इसके अंतर्गत 70 लाख से अधिक महिलाओं को 10 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वर्चुअल उपस्थिति में लगभग 655 करोड़ रुपए सीधे उनके खातों में अंतरित की गई। इस तरीके से मोदी जी के साथ में जो किया हुआ हमारा वादा था, वो सब हमारी सरकार अब पूरा कर रही है। ये दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। विगत 90 दिन हो चुके हैं और 90 दिनों में जो हमारी उपलब्धियां रही हैं और आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव वगैरह के मद्देनजर दृष्टि को रखते हुए जिले में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन में हमारे जिले के महामंत्री वीरेंद्र राणा जी, कार्यालय प्रभारी प्रदीप वर्मा जी और हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी एनसीपी के श्री अनिल केसरवानी जी हैं। मैं चाहूँगा कि विगत 90 दिन की जो उपलब्धियां हैं प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लेकर के प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, इसे पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत करें। शासन में और माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के कुशल मंत्रित्व काल में जो राजीव भूमि की हमारी योजना थी उसका पुनः हमने प्रारंभ किया है और राजीव भूमि को यशस्वी करने के लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इसके साथ ही साथ जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश की आजादी की दूसरी लड़ाई भी लड़ी गई थी। लोकतंत्र की दूसरी लड़ाई जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी और वह आपातकाल देश की परिस्थितियों पर नहीं वरन श्रीमती इंदिरा गांधी की गद्दी बचाने के लिए लगाया गया आपातकाल था और उस आपातकाल के विरुद्ध में जिन मीसाबंदियों ने, लोकतंत्र रक्षकों ने जो संघर्ष किया था, उस संघर्ष को भी सम्मानित करते हुए हमने मीसाबंदियों को लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दिया था और उनके परिवारों के लिए पेंशन की व्यवस्था की थी। उसको पुनः बहाल करते हुए इस वर्ष 1 नवंबर 2024 को वो हम प्रदान करेंगे राशि और प्रदेश में 2018 की स्थिति में 430 लोकतंत्र सेनानी, द्वितीय स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी थे और उनको प्रतिवर्ष लगभग 9 करोड़ रुपए की राशि पेंशन के रूप में उनका प्रावधान किया गया। सभी नगरीय निकायों को हाईटेक लाइब्रेरी का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक नालंदा परिषद के रूप में युवाओं को अपनी परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हाईटेक लाइब्रेरी के रूप में उनको एक नालंदा परिषद का सभी नगरीय निकायों को ये उसका प्रावधान किया गया है। आप सभी जानते हैं कि घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए जो योजना है वो आधी कीमत की, आधे दाम पर बिजली, राज्य के 42,34,000 घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 400 यूनिट की विद्युत खपत पर आधे दाम पर बिजली का जो प्रावधान किया गया है उसके लिए बजट में 1,274 करोड़ रुपये का प्रावधान है। एकल बत्ती धारकों को जिनको 30 यूनिट फ्री प्रावधान है उनके लिए भी 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। अनुकंपा नियुक्तियों में भी केवल
प्रदेश की जनता ने ही वरन प्रदेश के कर्मचारियों के भी कल्याणार्थ यह सरकार त्वरित निर्णय कर रही है और उन्होंने अनुकंपा नियुक्तियों के लिए प्रावधान किया है कि जिले में जहाँ कहीं भी अधीनस्थ कार्यालयों में कलेक्टर के अधीनस्थ कार्यालयों में जहाँ कहीं भी उपलब्धता होगी पदों की वहाँ पर अनुकंपा नियुक्ति की जाएगी। परंतु यदि जिले में कोई अनुकंपा नियुक्ति का पात्र व्यक्ति है और जिले में उसके पद की रिक्तता नहीं है तो संभाग स्तर पर इसको प्रावधानित किया गया है कि संभाग आयुक्त जो है उनके माध्यम से जिलों के रिक्त जिलों में जिन जिलों में रिक्त स्थान होगा तो संभाग के जिलों का भी दूसरे जिलों से समायोजन करते हुए अनुकंपा नियुक्ति की जाएगी। यह अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने वाले पात्र परिवारों के लिए बहुत ही सुखद एक उनके लिए अनुभूति का विषय बनेगा।